बिस्मिल्लाह। आज के तहरीर से आपका मेजबान रफीक अंसारी खातिर है और आज हम मौजूद हैं अनु भाई पार्क यानी कि नाजाबाद जिम खाना ग्राउंड पर। आज तहरीर का एहतमाम मदर जिम खाना क्रिकेट के क्लब की जानिब से किया गया है और यकीन तौर पर कहा जा सकता है इस वक्त हमारे साथ मदर आवान भी मौजूद है और खेलों के सरगर्मियों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। रमजान मुबारक ये मुकद्दस महीना है, रहमतों बरकतों फजीलतों को और साथ साथ कहा जाए कि इससे तीन अशर होते हैं, पहला अशर रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा अशर निजात होता है। कहा जाता है कि रमजान मुबारक में अड़ोस पड़ोस को भी ख्याल किया जाए ताकि कोई शख्स भूखा ना सोए, क्योंकि ज़कात भी निकालनी चाहिए और ज़कात निकालना चाहिए ताकि अड़ोस पड़ोस के अंदर जो लोग रहते उन्हें उनका हक मिल सके। आज तहरीक का एहतमाम जो मदर जिम खाना की जानिब से किया गया, मेरे साथ इस वक्त हाफिज राफी साहब मौजूद है, उनसे बात होगी तहरीक दस्तरखान पर बड़ी मज़ेदार। राफी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राफी ये बताओ, रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना है और हम बैठे हैं अनु भाई पार्क ग्राउंड में, क्रिकेट मैच भी चल रहा है और रमजान में उमूमन जो है नाइट मैच भी होते हैं, तो क्या कहोगे? रमज़ान मुबारक का पहले एक मतलब एक महीना होता है जिसके अंदर रौनक ही होती है पूरे महीने में और हर जगह रोशनी रोशनी होती है और पूरी रात नाइट मैचेस होते रहते हैं और इस महीने में बहुत सारे मतलब गुनाह माफ़ होते हैं आपके और नेकियां आपकी डबल हो जाती है, नमाज़ों में तो आपके सजदे में डबल हो जाती है नेकियां, नमाज़ कुरान जितना कुरान पढ़ेंगे उतना उससे डबल ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। और मैं खुद हाफिज़ कुरान हूँ और मैं चार साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ, ये पाँचवा साल है। आप मतलब चार साल से हाफिज़ कुरान है और तरावियाँ पढ़ रहे हैं, तो कैसा लगता है पढ़ाते हुए? उस वक्त तो टेंशन होती है मगर अच्छा लगता है कि टेंशन क्योंकि आपके दिल में तो कुरान तो काफ़ी टेंशन नहीं, पीछे लोग होते हैं उनकी वजह से मतलब अच्छा, पीछे होते हैं उस चीज़ की टेंशन होती है कि मतलब गलती ना आ जाए कुछ कुछ, जो गलती होती है तो पीछे तो लुकमा मिल जाता है, पीछे लुकमा मिल जाता है लेकिन फिर वो अच्छा फील नहीं होता ना कि गलती आ गई तरावी में, कि ऐसा फील होना चाहिए कि भाई कुरान अच्छा है एक भी गलती ना। तरावी पढ़ाने से पहले आपकी क्या मतलब रूटीन होती है, कितनी जो है आप 1 घंटा या 1.5 घंटे वेट कर अपनी? मैं असल में 5 दफ़ा कुरान को रिवाइज़ करता हूँ, 1 दफ़ा काइसा को सुनाता हूँ, 4 दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ, 1 सहरी के वक्त करता हूँ, 1 काइसा के आने से पहले 1 काइसा को सुनाता हूँ, 1 असर में सुनाता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ, फिर तरावी 5 दफ़ा। अच्छा आप ये बताओ कि आपको कितना टाइम लगा मतलब हाफिज़ बनने के लिए? मुझे 2.5 से 3 साल लगे हाफिज़ होने में, 10 साल का हो गया तो कि मैं हाफिज़ कुरान हो गया था। तो उस टाइम इमाम साहब या जो आपके मुफ्ती साहब होते थे तो कितनी सख्ती क्या करते थे आप? नहीं सख्ती तो उस वक्त होती है कि मतलब सबक वबक याद ना हो, मेरे घर पे भी कार्ड साहब आते तो मुझे टाइम टू टाइम याद करवा के चले आते, तो फिर मैं वहाँ पर जाके 1-2 दफ़ा होता है कि सबक याद ना हो या छुट्टी हो जाए तो उस वक्त सख्ती होती है। अच्छा जब से आपको शुरू के अंदर जब हाफिज़ बनाने के लिए घर वालों ने जोर दिया तो आपको कैसा लगा था कि मतलब उस टाइम आपकी? पहले तो तंग होता था कि मतलब छुट्टियां नहीं होती थी हमारी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल के सैटरडे को हमारा ऑन होता था, बाकी सब बच्चों की छुट्टियां होती थी तो उस पर चिड़ होती थी कि भाई मुझे हाफिज़ कुरान क्यों बना रहे हैं ये वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो आदत हो गई, फिर 2.5 साल हो गया कुरान। अच्छा, आप जब आपके बारे में कोई सुनता है कि आप हाफिज़ कुरान हैं तो किस तरीके से आपसे मिलता है, क्या आपको इज्जत देती है? मैं अच्छा फील होता है कि प्राउड फील होता है कि आपको मतलब इज़्ज़त मिलती है, एक तो आप कहीं जाओ आपको आपको बोलते हैं कि आप हाफिज़ कुरान हैं तो, और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मेरे पापा और मम्मा को बोले कि अभी आपका बेटा हाफिज़ कुरान है और ये एक तरावी पढ़ाता है तो अच्छा फील होता है मुझे। अच्छा आज शहरी का एहतमाम किया है मदर जिम खान की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं कि शहरी में आप बिल्कुल लाइट खाते हैं या मम्मा आपकी जो चीज़ बना के देती है उनको फरमाइश पर खाते हैं या बाहर से खाते हैं? नहीं मैं घर का ही खाता हूँ ज़्यादातर। मतलब क्या शहरी में क्या इस्तेमाल करता हूँ? मैं जगह अफ्तारी में कुछ 9.5 बजे बच जाए और रोटी, मैं ज़्यादातर रोटी खा लेता हूँ और शहरी के अंदर, और चाय मैं बहुत कम पीता हूँ, सिर्फ 1-2 घुट सर में दर्द ना हो इसलिए, और बाकी पानी ज़्यादा पीता हूँ। तो मैं तो कराची के अंदर लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे चाय पसंद शहरी का वक्त है और शहरी में तो इतनी ज़बरदस्त यहाँ टिक्का भी रखा है, कढ़ाई भी रखी है, कबाब भी रखे ये कल पता चलेगा जब रोज़ा लगेगा। अच्छा कल रोज़ा लगेगा जब पता चलेगा। अच्छा ये राफी ये बताओ कि कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि तहरी करो और तहरी एक सुन्नत है, तो अगर एक मिसाल के तहरी नहीं कर सके और रोज़ा रख लिया तो खैर रोज़ा कबूल हो जाता है, तो मजबूरी में बंदा आदान हो गई तोता ले गया, तो उस टाइम कैसा लगता है कि बिना तहरी का रोज़ा रख लिया तो उस टाइम कैसा फील होता है? उस टाइम रखना तो फ़र्ज़ है कि रखना तो फ़र्ज़ है, अभी उम्र हो गई है लेकिन थोड़ा वो होता है कि आज शहरी निकल रही रोज़ा लगे कि गर्मी पहले सबसे ज़्यादा तो आजकल हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है फिर उससे ज़्यादा प्यास लगती है इंसान को। और क्या कमाल करते हाफिज़ राफी मौजूद थे, उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी, बल्कि ये हाफिज़ कुरान है और यकीन तौर पर कहा जाता है कि जो हाफिज़ कुरान होता है अपने वो साथ खानदानों को बख्शवाता है, तो कितनी बड़ी बात है कि
हाफिज कुरान होना। तो मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को दीनी तालीम दे तो हाफिज कुरान भी बनाए, और ठीक है दुनियावी तालीम भी ज़रूरी, अंग्रेजी तालीम भी लाजमी होनी चाहिए क्योंकि आगे बच्चों का पीछे बनता। और मेरे साथ इस वक्त ज़रूर मौजूद है, इनसे ही बात होगी क्योंकि ये रास्ते के बहुत करीबी दोस्त हैं, इनसे मालूम करते हैं कि देखिए ये क्या बताते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मदर जी खाना क्रिकेट क्लब है, उनकी जानिब तहरीक का इंतमाम किया गया है और तमाम जो है वो रास्ते के दोस्त को बुलाया गया, तो आपको कैसे लगता है कि रास्ते आपके दिन पुराने सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने हमें शहरी के लिए अहतमाम के लिए बुलाया, हमें शहरी कराई। और उसके बाद मैं अपने दोस्त राफे का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके मुझे अपने साथ बुलाया, आपकी शहरी का हिस्सा बनाया। और मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मेरा एक दोस्त हाफिज़ुल कुरान है, और माशाल्लाह से हर इंसान को ज़िंदगी में हाफिज़ुल कुरान बनना चाहिए, मगर मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ कि मेरा दोस्त हाफिज़ुल कुरान है। अच्छा ये बताओ कि शदीद गर्मी है तो आप लोग क्रिकेट भी खेलते हो, क्रिकेटर हो सारे लोग, तो रोज़ा रख के क्रिकेट खेलते हो या दोपहर में या शाम को 4 या 5 बजे रोज़ा खुलने तो कैसा फील होता है, उस टाइम क्या कंडीशन होती है? गर्मी तो बहुत है कराची में, ख़ास तौर पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन क्रिकेट पे, क्रिकेट तो हमारा सबसे पहला प्यार है, लेकिन अब क्रिकेट के लिए कुछ भी गर्मी हो कुछ भी हो रोज़ा भी है, लेकिन फिर भी क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। अच्छा क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, क्रिकेट से प्यार भी है, तो आपने अंडर 19 अंडर 15 अंडर 17 खेली? नहीं बातों बातों तक की, अभी से बातों बातों तक की है। अच्छा तफरिया करते हैं, सिर्फ मतलब इंजॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम बैट्समैन या बॉलर? मैं बैट्समैन भी हूँ, बॉलर भी, ऑलराउंडर हूँ। अच्छा ऑलराउंडर, तुमने अपने तीनों साथियों को कितना आउट किया? मैं किसी को भी नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादातर तफरियाँ करता रहता हूँ, कॉमेंट्री करता रहता हूँ। क्रिकेट खेलते हो फिर किसी एक को आउट नहीं किया? मैं बॉलिंग कराता ही नहीं हूँ, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। ऑलराउंडर वैसे तो हूँ लेकिन ये लोग बॉलिंग नहीं देते, बैटिंग नहीं देते। अच्छा मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, तफरी करता रहता हूँ, बहुत करते हैं। तो आपने कभी जो है इन लोगों के जो कोच हैं या मैनेजर हैं या इनके शिकायत मुझे, मैं शिकायत करता हूँ तो उस दिन मुझे बॉलिंग बैटिंग दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, फिर अगले दिन फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तो मैं सुना कि रोहू भाई आपके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं? जी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझे हमेशा बैटिंग बॉलिंग दिलवाए थे। आप उनकी अदाकारी बड़ी ज़बरदस्त करते हो? नहीं दो रमजान का महीना झूठ ही बोलना, अभी आप लोग सबके सामने उनकी अदाकारी जी की थी। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा लगता है सबका। जी हम लोग कल भी हमें किस तरीके से बात करते हैं वो तो मुझे बताओ। वो थोड़ा ऐसा तरीका होता है, वो मुंह में करके ऐसा करके बात करते हैं, मतलब वो ऐसा ऐसा करके बात करते हैं लेकिन करते हैं। तो मतलब कुछ बोलते तो होंगे ना, ऐसे करके क्या बोलते हो? कहते हैं यार तुम अपना रोजे में मत खेलो, ऐसा ना करो, गर्मी बहुत हो रही है, ऐसे करके कहते हैं, लेकिन खुशी से कहते हैं, दिल से कहते हैं। अच्छा दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं। अच्छा ये बताओ अगर राहुल भाई ने तुम्हारा एक क्लिप देख लिया तो तुम्हें सजा देंगे तो तुम क्या कहोगे? पिटाई होगी लेकिन खैर है, बहुत दिल के अच्छे माफ़ कर देंगे। उसके रमजान के महीने में लोग गुस्सा आता है वो बंद कर जाते हैं, कोई पिटाई नहीं होगी ना? नहीं होगी, बच जाऊंगा इंशाल्लाह। मतलब आप बच जाओगे? बच जाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश। अच्छा ये बताओ कि आज की तहरी है तो तुम्हें जो तहरी है आपके घर की अच्छी लगती है या आज जो मदर बनी हुई है अपने मदर अबाद काम में रखी है उसकी वो तहरी अच्छी है? इन्होंने हमें अपने दिल से बुलाया इसलिए तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन घर की सैरी का अपना ही मज़ा होता है अपने घर वालों के साथ बैठ के खाने पीने का, सब लोग मिलकर एहतमाम करते हैं तो अच्छा फील होता है। तो आपके घर में क्या क्या लगता है सैरी के अंदर जो तुम खाते हो? मैं ज़्यादातर पराठा खाता हूँ चाय के साथ। तो बड़ा ज़बरदस्त, तुम्हारा पराठा तो रखा हुआ है, पराठा भी रखा हुआ माशाल्लाह। तो चाय की कंजूसी क्यों हुई? चाय पीना ज़रूरी है, चाय के बगैर सैरी नहीं होती, सैरी नहीं होती। ये तो बड़ा गलत है क्योंकि आपने राफे से नहीं करके चाय का इंतजाम करें? राफे से कहा था मगर वो एहतमाम ना हो सका, लेकिन कोई उसका मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इंसान को। अरे कमा सकते जगह तो कहा जरूर एलाई साहब मौजूद थे, बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, और कहा जाता है कि जब रमजान मुबारक का मुकदम ये महीना है, इसमें नेकियाँ भी बटोरने का, और ये वो बच्चे हैं कि क्रिकेट भी खेलते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और अपनी तालीम भी साथ साथ जारी रखे हुए हैं। मेरे साथ से इस हफ्ते मौजूद हैं अब्दुल राफे जाहिद साहब, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं क्योंकि ये भी क्रिकेटर है और आज राफे ने भी इन्हें तहरीकी जो है दस्तरखान पर मदद किया। राफे अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आइए बताएं कि आज तहरीक दस्तरखान पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दोस्तों के आपस में जमा हुए हैं शहरी पे। तो अभी तो रोज़ा नहीं है तो आप इतना तिलो क्यों बोल रहे हैं? रोज़ा नहीं है लेकिन रोज़ा तो अभी तो ख़त्म हुआ है ना, मतलब जैसे अभी मैच वैच खेल के हैं, थके हुए हैं सारे। अच्छा थके हुए जी? तो आप लोगों ने इतनी क्रिकेट खेली क्यों आप थके? क्रिकेट नहीं खेलेंगे अब रमजान में तो फिर बंदा क्या खेलेगा। अच्छा ये बताओ कि आप शहरी के वक्त आपके घर में कौन सी चीज़ पसंद करते हो, मामा की आती है या वाली साहब से कोई फरमाइश करते हो
क्या तेरी में ये चीज था मन? जैसे पराठा हो नहारी के साथ, मजा आता है खाने में। पराठे और नहारी? नहारी तो गलत पकाती है भाई। कोई बात नहीं, दही खा लो उसके बाद। अच्छा, आपकी आदत पड़ गई। जी आदत है। मतलब एक साल के अंदर जब रमजान आते हैं तो एक साल में नहारी खाते हो? इतने पहले नहारी नहीं खाते? नहारी तो बनती रहती है, लेकिन रमजान में पराठे के साथ सुबह सहरी में मजा अलग ही होता है सुबह सुबह। अच्छा ये बताओ कि रोजा रखने के बाद तो आप लोग क्रिकेट के मैदान जाते हो या गली कुछ में क्रिकेट खेलते हो? मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, गली में ही खेल रहे होते हैं। कभी ग्राउंड मिल गया तो ग्राउंड में, गली में। अच्छा। गली में खेलने का अपना मजा होता है क्योंकि सब दोस्त मिल बांट के जमा होते हैं, इस वजह से हम मोस्टली गली में खेलना शुरू प्रेफर करते हैं। हमारे साथ आप हमारे साथ राफे दाई साहब मौजूद थे और तो रमजान के इतने मुकदस महीने में ये सब क्रिकेट भी ग्राउंड में चल रही है, मुख्तलिफ मकाम से जो है वो नातों की भी आवाज़ आ रही है और लोग इबादत के तौर पर अपने घरों में तिलावत कलाम रब्बानी भी कर रहे हैं। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के, तो ब्रेक से वापस आएंगे और इन तीनों चारों क्रिकेटर से दोबारा बातचीत करेंगे। ईदगाह ग्राउंड पर तो हम मौजूद हैं और ये ईदगाह ग्राउंड भी कहते हैं, इसे अनुभाई पार्क भी कहते हैं और नादमा जिम खाना ग्राउंड भी कहते हैं। मगर एक बात करें कि यहाँ पर MMA क्रिकेट एकेडमी भी जो है वो मदर साहब चला रहे हैं और तो तकरीबन 200-150 जायद बच्चे यहाँ माहिर कोच की निगरानी में तरबियत लेते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि मदर आवान साहब की अगर खेलों के हवाले से बात की जाए, उनकी खिदमत की अगर बात की जाए तो यकीन तौर पर वो बच्चों को मुनफी सरगर्मियों से पहुँचा रहे हैं। आज तहरीक का एहतमाम भी किया है मदर जिम खाना की जानिब से और कहा जाता है कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहरी करो क्योंकि तहरी में अब बरकत होती है। तो यकीन तौर पर जब ये मदर इवान साहब ने कदम उठाया तो अल्लाह ताला इनकी नेकियों के साथ साथ यकीन तौर पर कहा जाता है जो अमल कर रहे हैं तो इन्हें इनके साथ साथ दूसरों को भी चाहिए कि वो लोगों को तहरियाँ कराएँ और नेकियाँ बटोरें, क्योंकि रमजान मुबारक का जो मुकद्दस महीना वो नेकियाँ कमाने का ही है। मेरे साथ इस वक्त एक हाफिज शेख अहमद साहब मौजूद हैं और यकीन तौर पर ये भी हाफिज़ुल कुरान है और इनके साथ साथ राफे जो मौजूद थे वो भी हाफिज़ुल कुरान है और इनके दो साथी हैं वो ये कहते हैं कि हम इन हाफिज़ुल कुरान के साथ लेकर हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। तो शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आज तहरीक दस्तखान पे आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब राफे ने मतलब लगातार हमें हर साल वैसे एक सहरी का इंतज़ाम ये रखते हैं हमारे लिए, ऊपर से हमारे हाफिज़ भाई हैं इनके साथ हमेशा ही, वैसे बचपन से इनके साथ हैं हम और बड़े भी इन्हीं के साथ हुए हैं, एक ही जगह एक ही करीब में रहते हैं और ये इनका इंतज़ाम करते हैं, अच्छा लगता है हमें बुलाते हैं। अच्छा शेख अहमद, ये बताओ कि आप हाफिज़ कुरान हैं तो कितने साल में आपने हिफ्ज किया? जी ये तकरीबन 3.5 साल में मैंने हिफ्ज किया है। अच्छा 3.5 साल में। जी तो इन 3.5 साल के अरसे में कभी आपने सोचा है कि जब यार मैं बहुत हिफ्ज रहूँ, मैं इंग्लिश तालीम भी हासिल करूँ, तो कभी ऐसा मौका हुआ कि घर वालों को बोला मैं नहीं जा रहा? जी बिल्कुल हुआ, ये एक नहीं दो बार हुआ है कि मैं हिफ्ज छोड़ दूँ, क्योंकि वो इंग्लिश तालीम मैंने छोड़ दी थी, मैं हिफ्ज में ही लग रहा था पूरे साल ना, तो चलता रहा एक सिलसिला जो शुरू हो गया था अब इसका एक इख्तिताम करना था, हिम्मत नहीं आ रही, अल्लाह ने बड़ा हौसला दिया। कहते हैं जब बंदा हिफ्ज़ करता है कुरान करता है तो शैतानी अमल उस पर ज़्यादा होता है, शैतान का जोर उस पर ज़्यादा होता है, लेकिन अल्लाह जब एक चीज़ प्लान करके रखता है तो उस पर अमल भी करवाता है, हिम्मत देता है अपने बंदे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में मैंने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। अच्छा शेख ये बताओ कि जैसे जब आप अपने दोस्तों में जाते हो या अपने अजीज व अक़ारिब में जाते हो तो आपको जब वो सुनते हैं कि आपके रिश्तेदार कि आपसे नहीं आपके दोस्त, तो आपको कैसा लगता है, उस तो क्या फील करते हैं? जी वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकता आपको, मैं वो हाफिज़ समझ सकते हैं कि मतलब जब आपको बोले या आपके वालदेन को कोई बोले कि आपने अपने बच्चे को हाफिज़ बनाया माशाल्लाह से, वो एक बहुत खूबसूरत सी ना फील होती है कि मतलब हर कोई बच्चा हाफिज़ नहीं होता और जो बच्चा बन जाता है उसकी ना इज़्ज़त बढ़ जाती है, उसके वालदेन की भी इज़्ज़त बढ़ जाती है, फिर वो वालदेन एक मिसाल बन जाते हैं दूसरे वालदेन के लिए कि वो अपने बच्चों को भी हिफ्ज़ करवाएं या इसकी इल्म दें कुरान की हदीस की। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उसूल है, ये ज़िंदगी सारी दीन पे दीन और अमल पे।
अच्छा शफी बताओ कि आप कितने साल से तरानियाँ पढ़ा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल मेरे मुकम्मल हो चुके हैं, इंशाल्लाह मैं 5वां साल है मेरा ये। अच्छा ये 5 साल से आप तरावी पढ़ा रहे हैं, तो कभी कोशिश किया कि आप मस्जिद में भी जाकर जो है वो तरावी पढ़ाएं? जी सिलसिला चल रहा है 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने आप को बेहतरीन करने की कि मैं मस्जिद जाके पढ़ाऊँ इंशाल्लाह, वो भी एक वालदेन की ख्वाहिश है, इंशाल्लाह वो भी एक दिन पूरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि आज सहरी है, तो खुसूस तौर पर जब घर में सहरी करते हो तो उस सहरी करते वक्त कोई ऐसी आयतें होती हैं तो बताते कि आज ये सूरत का ये आयत पढ़ें तो इससे बीमारी चली जाती है, तो कोई ऐसा वाकया हुआ है कि इमाम आपके जो हाफिज साहब हैं तो बताते कि भाई ये जो आयतें इससे ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, तो कोई है ध्यान में आपके? जी कुरान में वैसे आयतें तो हर चीज़ के लिए हैं, हर चीज़ में बरकत है, सहरी तो ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, वो कहता उनका है फरमान है कि सहरी करो सहरी में बरकत है, ऐसी आयतें हैं हदीसें भी हैं तो सहरी में बरकत है। अच्छा ये बताओ कि आपके साहब के कोई ऐसी खूबसूरत सी तिलावत आज तहरी के दस्तरखान पर है तो कोई एक छोटी सी जो सूरत हो आपको वो आज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आपने तिलावत की है और जब ये तिलावत और भी लोग सुनेंगे तो पता चलेगा उनके हाफिज़ अहमद ने ये तिलावत पढ़ी है तो वो भी अपने बच्चों को कहेंगे कि देखो आपके सामने एक ज़बरदस्त तिलावत की है तो आप भी आते हैं। अच्छा तेरे हाफिज़ को आपने दीनी तालीम दी तो आप इंग्लिश तालीम की तरफ भी आप गए या सिर्फ अभी कुछ मदरसे के अंदर अभी तरबियती हासिल कर रहे हैं? नहीं मैंने अपनी इंग्लिश तालीम ना शुरू कर दी थी, वापस कंटिन्यू कर दी थी, मैंने 6th class में मैंने अपनी इंग्लिश तालीम छोड़ के हिफ्ज़ किया था, जब मैंने वो मुकम्मल किया तो फिर मैंने अपनी इंग्लिश तालीम वापस शुरू की 8th में, अल्हम्दुलिल्लाह अब कॉलेज में हूँ और कॉलेज में कंप्यूटर साइंस फील्ड पढ़ रहा हूँ मैं और आगे इसी को परसू करूँगा मैं। अच्छा ये बताओ कि आगे चल के आपका क्या प्लान है? आगे चल के तो इंशाल्लाह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनना है, क्योंकि वो एक ख्वाहिश है शुरू से, एक पैशन है ये टेक्निकल चीज़ का मुझे, और मतलब शुरू से मुझे पैदाइशी है ऐसा कहना, एक है ना टेक्निकल कीड़ा है। अच्छा ये बताओ कि आपके साथ के आप लोग क्रिकेट खेलते हो? जी। तो अब आप जब तरावियाँ पढ़ाओगे तो कितने घंटे जो है आप घर में बैठ के रियाज करते हैं ताकि जो शाम को आपके तरावी पढ़ानी होती है तो ये आप कोई आपके साथ के साथ बैठते हैं या सिर्फ अकेले रियाज करते हैं? नहीं नहीं हाफिज़ दोस्त आते हैं उनके साथ पढ़ते हैं, पूरा एक रिवीजन करते हैं, क्योंकि तरावी के लिए आपको रिवीजन काफ़ी करना होता है और फिर ये सब तो चलता रहता है एक रूटीन, जब शुरू के दिनों में काफ़ी थोड़ा होता है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब एक रूटीन बन जाती है ना फिर ये चीज़ें फ़ौरन होने लग जाती हैं, तरावी भी हो रही होती है क्रिकेट भी चल रही होती है, वैसे रमज़ान में क्रिकेट ना हो ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता, हर गली में क्रिकेट है, कौन सी एक गली होगी जिसमें क्रिकेट ना हो रही हो। अच्छा आपने साहब ये बताया कि आप अपनी वालदा से या फिर अपनी मम्मी से कौन से खाने की फरमाइश करते हैं कि जैसे मुझे ये पकाया जाए ये खिलाया जाए? वैसे चीज़ें तो बहुत पसंद है मुझे, मैं खुद एक फूडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जैसे कि ना बिरयानी पसंद है, बिरयानी बन जाती है या कोई भी सालन हो जिसमें गोश्त हो मुझे पसंद है। हाँ सर शेख अहमद साहब जो कि हाफिज़ अल कुरान है वो मौजूद थे और एक बार फिर हम राफ़ी की तरफ आते हैं और यकीन तौर पर जब राफ़ी से बात करें तो कुछ इनके वालिद मोहतर भी सामने बैठे हुए हैं तो कुछ इनके मुतालिक भी पूछ लेते हैं कि मदर भाई कभी कभी आपको गुस्से में डांटते हैं या नहीं डांटते, तो आज राफ़ी से ज़बरदस्त बात करें राफ़ी आज आपके पप्पा सामने बैठे और यकीन तौर पर आप उनसे जिद करते हुए कि मैं आज क्रिकेट खेलूँगा हमें जो है वो कोचिंग नहीं जा रहा तो उसको क्या फील होता है? नहीं असल में ये होता है कि टाइमिंग ऐसी होती है कि हो जाता है, लेकिन कभी होता है कि मॉर्निंग में अगर मेरे कोचिंग हो तो मैं खुद भी नहीं जाता इसलिए वो तबीयत ख़राब हो जाती है और रोज़ा होता है गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, कभी कभी डांट पड़ जाती है कि ज़्यादा क्रिकेट ना खेलो बीमार हो जाओगे। ये तो खुद लोगों क्रिकेट खिलाते हैं आपको मना कर रहे हैं? मुझे पढ़ाते हैं बोले पहले पढ़ो फिर बाद में खेलो, ये तो कोई बात नहीं ना इंसाफी है कि दूसरे को बच्चों को या क्रिकेट की तरफ ला रहे
और अपने बच्चों को बोलना हाँ वो सही कह रहे हैं कि पहले तालीम बाद में खेल। पापा बोले साथ साथ पढ़ो भी और खेलो भी। पहले पढ़ाई है ना कि साथ साथ खेलो भी पढ़ो भी। जी पापा खुद भी खेलते थे पहले क्रिकेट, अभी मुझे छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, अभी दूसरों को खिला रहे हैं। हमारे रमजान के दौरान लोग शहरी भी कराते हैं, लोग क्रिकेट भी खिलाते हैं, मतलब नेकी करा हमारे तो आगे आपका भी कोई इनके लक्ष्य कदम पर चलने का इरादा है? नहीं, अगर हिम्मत हुई तो मैं खेलता हूँ, वैसे मैं रूटीन वाइज नहीं खेलता, वीकेंड में अगर कोई हुआ तो मैं खेल लेता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हूँ, खेलता बहुत ज़्यादा कम हूँ। लेकिन फ्राइडे नाइट ज़्यादा होती है कि हम लोग फ्राइडे नाइट को खेलते ही खेलते हैं, कि नाइट मैच हो गया तो खेलते हैं। अच्छा राफे, देखिए हमारे हाफिज साहब ने तो एक तिलावत फरमाई, तो आपने कुछ हमें कुछ लोगों को सामने को कुछ सुनाना पसंद करें? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم। हमारा सत्य यकीन तौर पर कहा जा रहा है कि हाफिज राफे साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तिलावत की है, और कहा जा रहा है कि हमारे तहरी का वक्त शुरू हो रहा है, हम तहरी भी करेंगे, मगर तहरी के चलते चलते हम एक काम ज़रूर करेंगे कि आज मदर रहमान साहब करेंगे तो कुछ एक दो लाख इनसे भी कह के और फिर हम तहरी के दस्तरखान पर तहरी करेंगे। शहरी के बारे में क्योंकि ये अब्दुल राफे जो है अपने दोस्तों को अक्सर जो है वो शहरी पर मधु करता है, तो इसमें सारा कंट्रीब्यूशन इसका ही है, मेरा तो इसमें वो नहीं है। मैं जो है ना ये कि ये आपस में दोस्त हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे साथ जो है ना इनका रिलेशन है, बचपन से एक साथ ही हैं, पढ़ते भी एक साथ ही हैं, तो हम लोगों को पता है इनकी फैमिली के बारे में भी पता है, इनके वालिदैन भी हमारे दोस्त हैं, तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि जो है ना एक ही मोहल्ले में रहते हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, तो इस तरह की इन्जॉयमेंट खुद हम कहते हैं कि करें। ये जो फीलिंग है ये अनबिलीवेबल फीलिंग्स हैं, जब जो है ना हम लोगों को कोई कहता है कि आपका बच्चा हाफिज़ है, तो ये अंदर से खुशी हमारे लिए जो है ना पैदा होती है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चे हमारे बच्चे हाफिज़ तो बन गए हैं, मगर हम चाहते हैं कि ये सारी ज़िंदगी इसी तरीके से जो है ना इस कुरान को अपने दिल में महफूज करें, ये हमारी ख्वाहिश है। हाफिज़ बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसके ऊपर जो है रहना मुश्किल है, तो हम चाहेंगे कि जो है ना और हमारी जब तक हमारी है ज़िंदगी है उस वक्त तक तो हम लगे हुए हैं कि ये इसी तरीके से जो है वो तरावी भी पढ़ते रहें, इसी तरीके से जो है कुरान पढ़ते रहें, और हमारे बाद भी ये लोग इसी तरीके से ये करते रहें। जैसे कि यकीन तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे साथ मदर रहमान साहब मौजूद हैं, मदर जिमखाना के, और आज इनके तारीख से इनकी जानिब से तहरी का इत्माम किया गया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, क्यों ना कि हम सब मिल के तहरी करें, क्योंकि तहरी का वक्त हो गया, आप भी तहरी करें, मैं भी तहरी करता हूँ। तहरी आज की तहरी से आपके मेज़बान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।